कैफी नजर नहीं आ रहा। क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? कैफी अब यहां कभी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को इस काबिल छोड़ा ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? बेटा उसने जो किया वो किसी अच्छे घराने का लड़का कर ही नहीं सकता। बाबा जान बात क्या एग्जैक्टली बताएं, क्या हुआ है? क्योंकि कैफी ने शांजे को किडनैप करने की कोशिश की है। क्या? जी, ना सिर्फ कोशिश की है बल्कि ड्रिंक करके बाबा जान के साथ बदतमीजी भी की है। वह ऐसा क्यों करेगा? तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूं? लेकिन कैफी तो इतनी दूर से हमारे साथ आया था, उसने इतना सब कुछ, बाबा जान उसने हमारा कितना साथ दिया, बताएं लोगों को। ये सब बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं इशल बेटा, लेकिन कैफी कभी भी मुझे पसंद नहीं रहा। मैं तो सिर्फ उसे तुम्हारी वजह से इस घर में बर्दाश्त करता रहा। हेलो इशल, इशल कहाँ हो तुम? मैं घर आ गई। जेम्स, बस बता रहा हूँ भी थोड़ी देर में। तेरी बात सुनो, इशल घर पहुंच गई वापस। What? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। Are you sure? अभी मेरी उससे फोन पे बात हुई है, उसकी कॉल आई थी मुझे। मैं तुम्हें वहां पहुंचकर सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? पहले मुझे तो पहुंचने दो। इशल तुम्हें यहाँ वापस देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। क्या हुआ इशल? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोग मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को घर से निकाल दिया और समझते हो कि मुझे बुरा नहीं लगेगा? इशल, हमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। बाबा जान और दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैफी ने बहुत बुरा किया है। तुम लोग उसको नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो मेरा दोस्त है, वो एग्रेसिव जरूर है, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकता शान से। इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है ईश्वर कि तुम्हें बाबा जान की बातें भी झूठ लग रही हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे बैठ के ढेर सारी बातें करूंगी, तुम्हारे साथ वो तकलीफ शेयर करूंगी जो मुझे कैफी की वजह से मिली, लेकिन तुम तो सच सुनना ही नहीं चाहती। ये
पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कैफी से खुद ही पूछना पड़ेगा। अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह हु अल्लाह, या खुदा आपका शुक्र है, मेरे हर इम्तिहान में मेरी मदद कीजिएगा। मुझसे कभी ऐसा कोई काम ना हो कि आप नाराज हो जाए। थैंक गॉड And I can't believe this कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और बिल्कुल ठीक हालत में। क्यों? मुझे क्या होना था? तुम किडनैप हो गई थी, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। पर अब तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ शांजे वाला क्या चक्कर है? शांजे? क्या मतलब? कैफी, तुमने शांजे को किडनैप करवाया था। What? भला मैं क्यों शांजे को किडनैप करवाऊंगा? लेकिन सारे घर वाले तो यही कह रहे हैं। देखो ईशा, मैं तुम्हारे बारे में पॉजेसिव जरूर हूँ और हो सकता है कि मैं दो तीन बार हाइपर भी हुआ था, लेकिन शांजे को मैं कैसे किडनैप करवा सकूं? हो सकता है कि किडनैपर्स को किसी ने मेरे बारे में गलत इतला दी हो। I hope कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोले होंगे। Never ever, Isha. मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर कोई मेरे बारे में इल्जाम तराशी करता है यहाँ, और वैसे भी अब मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं, साथ गुजारे हुए काफी टाइम गुजर, लंच करते हैं किसी अच्छी जगह पर जाके। अम्मी, आपको अनीस के मामले मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कहा मुझसे और बात मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारे सवालात की समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे इतने उल्टे सीधे सवालात क्यों करती हो। मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दे देकर थक चुकी हूँ। ठीक है, तुम अनीस खान से कहो अपने बाप से पूछे फहमीदा बेगम कौन है। आपका नाम? लेकिन क्यों? तुम्हें जितना कहा गया है तुम वो करो, जो जवाब वो दे मुझे बता देना, फिर जो तुम चाहती हो मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन रुको, अनीस, अरुबा का फोन है। अरुबा? आहिस्ता आवाज में बात करो, वो सुन लेगा। अरुबा, अरुबा, I'm really sorry. Sorry तो मुझे करना चाहिए, तुम्हारा फोन जो नहीं उठाया। नहीं अरुबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दादी की हरकत पर। Trust me, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ हो जाए। कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। I miss you, यार। I love you so much, अरुण। तुम मेरी जिंदगी हो। I love you। कुछ तो बोलो अरुण, कुछ तो कहो। मैंने अम्मी को सब बता दिया। तो? मैं उन्हें मना लूंगी, लेकिन
लेकिन क्या रूंगा? लेकिन उनकी एक शर्त है फिलहाल। कैसी शर्त? क्या तुम अंकल से पूछ के बता सकते हो कि ये हमीदा बेगम कौन है? हाँ, ट्रस्ट मी, इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूं। अगर आप किसी ने तुम्हारे बारे में अगर कोई भी गलत अल्फाज यूज किए, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मतलब बहुत इज्जत और हिफाजत से अपने साथ रखूं। चलो। मैं क्या फिर अभी है, वैसे भी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर निकली हूँ और घर में जो सब कुछ हो रहा है उस मसले का भी तो हल निकालना है। आखिर ये सब कुछ किसने किया? ये कैसे हो? नफरत है मुझे इन जैसे लोगों से, इन लोगों के रवैयों की वजह से लोगों के दिल टूटते हैं। दोखले लोग, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही तो, बस तुम किसी से बात मत करो, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं इस तरह कहीं नहीं जा सकती। जब तक सबको सबके किए की सजा नहीं मिल जाएगी ना, जिसने जो किया वो अपने किए की सजा काटेगा, उससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके डन ठीक, लेकिन तुम घबराना मत, डोंट वरी शर, बस तुम कॉल करो। अब्बा रुके, अब्बा मुझे आपसे कुछ पूछना है। अम्मा के रवैये की बात मत करना, वरना जो कुछ आज तुमने किया है ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। आवाज ऊंची मत करें अब्बा, आज मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। अगर ये बातें करेंगे तो बहुत कुछ मुझे भी भूलना पड़ेगा। फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दें, क्या हमीदा बेगम कौन थी? कौन? हमीदा बेगम। अनीस खान चले जाओ यहां से, जाओ फिर बात कर लेना। अनीस खान, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई अपने बाप से इस तरीके से बात करने की? अभी इस काबिल हुए नहीं और अपने बाप से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए तुमने? मैं आपसे बात नहीं कर रहा दादी। लेकिन मैं तुम ही से बात कर रही हूं। खबरदार, जो आइंदा कोई सवाल जवाब किया मेरे बेटे से, चले जाओ यहां से। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेरा बाप भी है। अनीस खान चले जाओ यहां से, बाद में बात कर लेंगे। क्या बात कर लोगी तुम बाद में? जी वो मैं इसलिए कह रही थी कि आप भी इस वक्त गुस्से में हैं और ये भी। जितना मुंह जोर कर लिया ना तुमने अपने बेटे को, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। मैं कह रही हूं ना, चले जाओ यहां से। ये इतने सालों के बाद हमीदा बेगम का नाम कैसे बाहर आया और अनीस खान को कैसे पता चला कि हमीदा बेगम भी कोई है? लगता है हमीदा बेगम की अनीस खान से कई मुलाकात हुई है, मुझे तो इतने सालों में वो मिली नहीं, इसे कैसे मिल गई? चलो
ये मैं पता करवा ही लूंगा। ये आप मुझे कहां लेकर आ गए हैं? ये आज से तुम्हारा नया घर है और अब तुम्हें यहीं पे रहना है। आप तो मुझे हवेली लेकर जा रहे थे, तो फिर यहां लेकर क्यों आ गए? देखो, अभी मैंने अम्मा से इस शादी के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन क्यों? भाई अभी हालात नहीं है, मैं मौका देखूंगा, उनसे बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा इस शादी के बारे में और फिर तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। चले जैसे आपकी मर्जी, मगर छोड़ो ना अगर मगर को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ। ईशन के साथ जितने जुल्म हुए मेरे तो सोच कर भी रूह काम जाती है। आपने इतना वक्त ना कैसे गुजारा? बेटा, जख्मों को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ दर्द होती है। एहसान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। बस एक ही बात? दो बातें करो जाने मन। असल में मैं घर में बोर हो जाती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे खानदान में औरतें काम नहीं करती। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं, मैं तो बोरियत की वजह से आपसे कह रही थी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आप फिर नाराज हो गए। अपनी बकवास बंद करो तुम। तुम्हारा अगर नौकरी करने की बात की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हम जागीरदार लोग हैं, मुआशरे में हमारी इज्जत है, मुकाम है हमारा। जब मैं उस हवेली में जा ही नहीं सकती, फिर उस खानदान से मेरा क्या लेना देना? तुम चुप करती हो या मैं तुम्हें चुप करवाऊं?
रहना मुझे यहाँ पे। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं रहना अम्मा यहाँ पे, मैं इस घुटन में मजीद नहीं रह सकता। अगर अब्बा से एक बात पूछना जुर्म है तो कोई फायदा नहीं यहाँ पे रहने का। अपनी माँ के लिए भी नहीं, आपकी खातिर ही कर रहा हूं ये सब कुछ। हो सकता है शायद आपको बाद में इस चीज की समझ आ जाए। नहीं रहना मुझे यहां पर। हेलो जेम्स, मैं तुम्हें एक पते की बात बताने लगा हूँ। शाफिन यहाँ ईशिल के घर पर आया हुआ है। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा हमें। तुम फौरन से पहले पुलिस को ये लेकर यहाँ पहुँच जाओ। तुम फिक्र ना करो, मैं पहुँच रहा हूँ। कम ऑन हरी अप जेम्स, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। शाफिन, तेरा क्या बनेगा शाफिन? तेरा क्या बनेगा? तू तो क्या ईशल ने बुलाया है। जाओ। पता नहीं किस काम के लिए बुलाया है। अल्लाह मदद करेगा, जाओ। बस ये याद रखना बेटा, जब तक दिल टूटता नहीं खूबसूरत नहीं होता। क्या मतलब? जमीन से जो शजर उगते हैं वो जमीन का सीना चीर कर उगते हैं, तब हरियाली आती है। मैं आपकी बात नहीं समझा। सब जाओ, अल्लाह अल्लाह बेहतर। जीते रहो। क्या कह रही हो ईशा, तुम होश में तो हो? अभी तो मैं होश में आई हूँ। आप इसे अरेस्ट कर। ईशा तुम, मैंने कहा ना, he's a criminal, अरेस्ट him। I'm not a criminal। ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें भी ये समझ आएगा भी नहीं, जब तुम मेरे साथ चलोगे ना तब तुम्हें ये सब समझ आएगा। बगैर किसी सबूत के तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते मिस्टर जेम्स। है ना सबूत? बता तो रही है सब कुछ तुम्हारे सामने। तुम दरमियान में बोलो, तुम ईशल की वजह से वहां पे गए थे ना? तो अगर मैं ये साबित कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हथकड़ियां लगी हुई हैं फिर भी बड़ी जरूरत है। ईशल ये सब क्या है? इतना बड़ा जुल्म उस पे मत कर, खुदा के लिए मत कर। इन्हें बताओ मैं तुम्हें वहां अचानक मिला था। जवाब दे दो मैं ईशल से। नहीं, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हारा मकसद सब ढाई है। ये सब सच नहीं है ईशल। तुम्हारी इतनी जुर्रत, बार बार ईशल का नाम ले रहे हो। ईशल,
बात इतनी छोटी नहीं है। इशल इधर देखो मेरी तरफ। मैं आप इशल को अंडर प्रेशर कर रही हैं। इस वक्त अंडर प्रेशर उम्मे नहीं तुम कर रहे हो कैफी। लेकिन मैं तो तुम चुप हो जाओ। देखो इशल तुम कूल डाउन हो जाओ फिर बाद में बात करते हो ना। उम्मे मैं जो भी कह रही हूँ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। लग तो नहीं रहा। क्यों क्यों नहीं लग रहा आपको ऐसा जबकि शाफिन ही मुजरिम है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहती। इशल क्या कह रही हो तुम। हाँ तो क्यों रहूं मैं आप लोगों के साथ। मोले जब आप लोगों को मेरी किसी बात पे भरोसा ही नहीं है तो आप लोगों के साथ रहकर फायदा ही क्या है। मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। आई एम गोइंग विद कैफी। यार इशल तुम दाऊद प्लीज तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या हो गया तुम्हें। तुम तो चुप कर जाओ। बहुत बोल गया तुम। अब एक लॉस में सी मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे नवज़ है। आप तो मेरी बात पर यकीन रखें। मैं इस मामले में मुलव्वस नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने इशल को किडनैप नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। पीछे चलो चलो इसको लेके पीछे चलो। इशल इशल बात सुनो। बाबा जान मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। चलो शान से बेटा पानी लेकर आओ। बाबा जान बाबा जान बाबा जान अब ठीक है जल्दी ले आओ पानी पीजिए। बाबा जान बाबा जान इशल नहीं कह सकती ये सब कुछ। उसे कैफी ने पूरे तरीके से ट्रैप किया। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे दाऊद तुम। मैं नए इशल को वापस लेकर आऊंगा। अगर वो पागल हो गई है ना हम सब लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हुआ ना।
दाऊद, दाऊद, दाऊद मेरी बात सुनो। दाऊद बेटा रुको। उमेद, उमेद दाऊद को रोके ना प्लीज। रुकसन, आप ठीक है? तुमने बिल्कुल ठीक किया ऐशल, वो सब यही डिजर्व करते हैं। स्पेशली तुमने वही किया हमेशा से जो बाबा जान चाहते थे। एंड इट्स योर राइट टू टेक डिसीजन अबाउट योर लाइफ। आई डोंट नो कैफी, ठीक हूँ क्या गलत, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि आई हेट शॉपिंग, नफरत है मुझे उस आदमी से। ये सब लोग सब उसके बिछाए हुए जाल में शायद से कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन कैफी, जो कुछ तुमने मुझे बताया उसके बाद मेरी नफरत में और इजाफा होगी। मैं एक लम्हे के लिए भी उसको चेहरा नहीं बर्दाश्त कर सकती। बाबा जान भी उसके असली जान जाए। सामने से व्हाट इज दिस नॉनसेंस दाऊद, पागल तो नहीं हो गया तू? हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटता। हाँ? बात नहीं करना चाहती वो तुझसे। हटता है साइड पे के तुझे तेरी औकात याद दिलाऊं। औकात? हाँ? आज तू मेरी औकात याद दिला ही दे मुझे। वैसे भी मैंने बड़ा सबर कर लिया तेरी तो। सबर? सबर तो मैंने भी बहुत कर लिया है। मेरा दिमाग दुरुस्त करना ठीक था। मेरा दिमाग दुरुस्त करना? देखो क्या कर रहा है दाऊद, पागल हो गया ये। ये क्या लगता है तुम्हारा? दाऊद ये मेरा दोस्त है, इसको मैं साथ लेकर आई थी अपने। दोस्त? ये तुम्हारा दोस्त है तो मैं कौन हूं? तो मेरे कुछ नहीं लगते दाऊद, मैं अपने सारे रिश्ते खत्म करके आई थी, समझे तुम? कुछ नहीं है ले पालक, औकात याद रखा कर अपनी। ये बहन भाई का रिश्ता कब खत्म हो गया? तुम पागल हो गई हो, तुम वाकई में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम वो ईशल नहीं हो। हाँ मैं नहीं हूँ ईशल, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ होश में, सुन लिया? मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं। और हाँ आखिरी बात, आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देने की कोशिश मत कर, समझे? सारे रिश्ते खत्म हो गए, सब खत्म। चलो कैफी, चलो। अनीस,
ये खाना ना खाना, हर वक्त गुस्से में रहना, ये किसी मसले का हल नहीं होता। जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो किसको भूख लगती है? अपने अगर दुश्मन हो गए हैं तो खुद से तो दुश्मनी मत करो ना। एक सवाल ही तो पूछा, एक सवाल पूछा है अम्मा, क्यों नहीं दे देते आखिर उसका जवाब मुझे? वो जवाब नहीं देते, गुस्सा करते, तो इसमें तुम्हारी माँ का क्या कसूर है? लेकिन अम्मा, मैं अरूबा को क्या जवाब दूंगा? उससे दादी की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे कहा कि अपने घर वालों से पूछो कि हमीदा बेगम का क्या ताल्लुक है इस खानदान से। तो बता देंगे ना, इसमें जल्दी किस बात की? जल्दी है अम्मा, क्योंकि उसने मुझे कहा है जिससे तुम्हें पता चलेगा ना कि हमीदा बेगम का ताल्लुक क्या है इस खानदान से, तो मेरा और उसका रिश्ता टूट जाएगा। क्यों? यही क्यों तो मुझे पागल कर रहा है अम्मा, मैं पागल हो गया हूँ सोच सोच के ये। और मैं तुम्हें देख देख के पागल हो गई हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब, नहीं सह सकती मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकती। अनीस तुम समझते क्यों नहीं हो, रोज तड़पती हूँ मैं तुम्हें यूं देख के। ठीक है तुमने खाना नहीं खाना ना तो मत खाओ, मैं भी आज के बाद खाना नहीं खाऊंगी। अम्मा आप तो ऐसा मत करें, एक आप ही तो है मेरे साथ। चले अम्मा, अम्मा चुप कर जाए, चले मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। चलो चले चले चले, चले, चले।